देखिए डार्क चॉकलेट भी इंद्राणी पे फिल्म बनी है और उसमें महिमा चौधरी और मेरी क्यूट फ्रेंड रिया सेन जो है उसमें परफॉर्म कर रही हैं, शीना मर्डर केस पे ही है, तो शी इज़ परफॉर्मिंग एंड मैंने फिल्म देखी है, इस ऑसम, क्या अमेजिंग एक्टिंग करी है, कोई कहेगा ही नहीं शीना और रिया में कोई फ़र्क नहीं लग रहा, शी इज़ लुकिंग अमेजिंग फिल्म में। और हमारे डायरेक्टर ने, आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, मैंने देखी, बहुत ही सस्पेंस, ऐसा सस्पेंस कि मतलब लोग हैरान हो जाएंगे, इतनी अच्छी फिल्म बनाई है। बट मेन कॉम्पिटिशन है राखी फिल्म व्हिच इज रिलीजिंग टुमारो, बट आई एम सो हैप्पी दैट शी इज टेकन हर टाइम ऑफ एंड शी इज कम टुडे, उनका प्रीमियर है कल दिल्ली में एंड आई होप हर ऑल द बेस्ट फॉर हर फिल्म। द सब्जेक्ट्स आर वेरी सिमिलर, इट इज सिमिलर, बट फिल्म्स आर ऑलवेज मेड डिफरेंट एंड आई होप पीपल वॉच हर फिल्म टू एंड पीपल प्लीज गो एंड वॉच डार्क चॉकलेट। या मैं भी अपने जितने भी हिंदुस्तान में दर्शक है, देखिए फिल्में अलग अलग बनती है, डायरेक्टर अलग अलग होते हैं, मेरा इंद्राणी पे सब्जेक्ट है लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट डार्क चॉकलेट टोटली इंद्राणी पे हैं, अमेजिंग है। आप लोग को गर्व है कि आप लोग कोर्ट में गए, इस सब्जेक्ट को जीता, मैं सल्यूट करती हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। देखिए फिल्में तो वो रिलीज़ होती है, आती जाती रहती है, दोस्ती निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं कल मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है लेकिन आज मैं रिया के लिए और डायरेक्टर जी के लिए डेफिनेटली मैं यहाँ आई हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ में हमारे इश वेक्टर जो सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर है, हम विश करते हैं डार्क चॉकलेट रॉक्स, डार्क चॉकलेट रॉक्स। थैंक यू फॉर कमिंग सो मच, मेरा स्क्रीनिंग पॉसिबल। रिया जी बहुत टाइम बाद हमने महिमा चौधरी को स्क्रीन पर देखा है, तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका काम करने का? बहुत ही अच्छा, वो बहुत ही फ्रेंडली है, वेरी इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है और बहुत ही सुंदर है। हमारा कैमरारी स्क्रीन में बहुत ही अच्छा था एंड आई थिंक शी इज़ अ लवली पर्सन, मोर देन जस्ट एन एक्टर, शी इज़ अ लवली ब्यूटिफुल पर्सन। सेंसर बोर्ड की बात करें कहीं ना कहीं मेरे डायरेक्टर से पूछिए मिस्टर अग्नि देव। सर सेंसर बोर्ड की बात करें कहीं ना कहीं हम देखें तो वो हमें मतलब एक नए किरदार को आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जैसे राखी जी अभी एक लीड रोल में प्ले कर रही हैं कहानी जोली की, तो उनकी भी कॉन्ट्रोवर्शियल्स में आपकी मूवी आई जो कॉन्ट्रोवर्सी निकल चुकी है, तो और आपकी तो मैं लटक रही हूँ सो क्या कहना चाहेंगे इस बात? हाँ कॉन्ट्रोवर्सी तो होता है, सेंसर बोर्ड प्रॉब्लम तो क्रिएट कभी कभार कर लेते हैं और जब वो प्रॉब्लम आते हैं तो वन स्टेप एट अ टाइम हमको संभालना चाहिए। और अभी जो सेंसर बोर्ड धीरे धीरे जो हम देख रहे हैं कि वो भी मेच्योर्ड हो जा रहे हैं और उनके जो अभी अप्रोच है टुवर्ड्स फिल्म वो थोड़ा सा चेंज हुआ पहले से, सो दे आर मोर फ्लेक्सिबल, दे आर मोर आउटलुक जो उनका है वो ब्रॉड माइंडेड हुआ है, तो अभी टाइम्स आर चेंजिंग एंड इट इज़ बेटर फॉर द फिल्म। आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सेंसर बोर्ड से, इनफैक्ट सेंसर बोर्ड हेल्प्ड अस इन एवरी वे पॉसिबल टू रिलीज दिस फिल्म। आपके मतलब किरदार के बारे में जानना चाहेंगे जो आपने मतलब एक रियल घटना पे बेस है। बोल ये सब ये कैरेक्टर सिर्फ इंस्पायर्ड है फ्रॉम शीना और इंद्राणी मुखर्जी। मैं इंद्राणी मुखर्जी की जूनियर रोल भी कर रही हूँ, मेरा डबल रोल है इस फिल्म में और शीना भी प्ले कर रही हूँ, लेकिन उन लोग का मतलब दे नॉट लाइक व्हाट दे वर इन रियल लाइफ, मैं नहीं जानती उन लोग को पर्सनली, बट इट्स इंस्पायर्ड एंड मेरा डायरेक्टर का जो भी ब्रीफ था आई हैव जस्ट फॉलोड हिज गाइडलाइंस एंड बोथ आर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड वीमेन, हमारा फिल्म में ऐसे तो है एंड या सो जस्ट वेंट विद द फ्लो। मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू हैव ओवर हियर एंड विश हर लक आल्सो, शी इज सो लवली दैट
people are looking at Rakhi Sawant more than the whole film. That's what I think. She's so lovely. नहीं सुनने में सेंसर बोर्ड ने सिर्फ राखी का नाम सुन के मूवी को यूए के द प्रॉब्लम इज राखी सावंत इतना बड़ा ब्रांड हो गया कि एवरीवन जस्ट वांट्स टू टॉक अबाउट राखी सावंत मोर देन एनीथिंग एल्स सो आई डोंट नो सी मैं कहना चाहती हूँ कि डार्क चॉकलेट मैंने देखी फिल्म मैं इंद्रानी को इतने करीब से जानती हूँ 9X चैनल पर मैंने इनके रियलिटी शो जीते हैं पीटर मुखर्जी जो डार्क चॉकलेट में जो कैरेक्टर है इंद्रानी का एज इट इज़ उन्होंने डायरेक्टर ने पेश किया है एंड जो मैं शीना को जानती थी शीना मेरी रियलिटी शो में मेरे साथ में ही थी तो रिया ने एग्जैक्टली वैसे ही रोल प्ले किया है मैं तो लोगों को कहना चाहूँगी कि रियली अगर अगर इंद्रानी तो चलो अभी अंदर है मेरी फ्रेंड है मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है अगर वो बाहर आके देखेगी तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड करेगी ये फिल्म को और हाँ डार्क चॉकलेट के साथ साथ एक कहानी जूली की जो फिल्म रिलीज होने वाली मेरी कल तो लोग वो भी देखें यहाँ पे दो दो इंद्रानी की कंपटीशन में मूवी है बट यहाँ पे दोस्ती तो देखिए चलती रहती है यहाँ पे इंडस्ट्री में तो फिल्में आती जाती रहती है बट दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए थैंक यू सो मच सब जगह एकदम सामने